नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत सिंह और आज हम बात करेंगे हरियाणा में जो पीटीआई टीचर से संबंधित एक जजमेंट अप्रैल महीने में आई थी उसके बारे में, उसमें क्या डेवलपमेंट हुई है और क्या आगे होने वाला है। एक्चुअली पिछले दिनों हरियाणा सरकार ने एक नोटिस इशू करते हुए जो पीटीआई टीचर्स थे उनको रिलीव करने की बात कही थी, उनको सर्विस से हटाने की बात कही थी एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, और उसके बाद एक अनरिटन ऑर्डर कहिए ओरल ऑर्डर से ये कहा गया है कि एक मध्य मार्ग चुना जाएगा जब तक कि रिव्यू पेटिशन डिसाइड नहीं की जाती। खबरें अगर आप देखोगे तो ऐसी भी खबरें हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जो निर्भया केस में जो वकील साहब थे एपी सिंह, उनके द्वारा रिव्यू पेटिशन फाइल की जाएगी और एक लार्जर बेंच को रेफर करने की बात की जाएगी। कुछ लोगों के और भी हैं कि हरियाणा सरकार के कर्मचारी संघ के लोगों ने कहा है कि हरियाणा सरकार इसमें ऐसा ऑर्डर इशू करे कि उनको रिलीव नहीं किया जाएगा, उनको डिसमिस नहीं किया जाएगा या हटाया नहीं जाएगा नौकरी से। ये सब जो बातें हैं इस पे मैं थोड़ा सा क्लैरिटी देना चाहूँगा आप सब लोगों को कि असल में हरियाणा सरकार इसमें कुछ ज़्यादा कर नहीं सकती है। हरियाणा सरकार यही कर सकती है कि जब तक अपेक्स कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट ना आ जाए, वैसे तो फाइनल वर्डिक्ट जो है जो जजमेंट आई है वही फाइनल वर्डिक्ट है, लेकिन फिर भी ऑप्शन होता है रिव्यू पिटीशन का कि कहीं अगर कोई जजमेंट में एरर है, कोई ऐसी मिस्टेक या कोई गलती लगे जो पिटीशनर्स के एडवोकेट बताएं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कि इस जजमेंट के चलते ये एरर हुआ है और ये ठीक करने की ज़रूरत है। उन स्थितियों में ऐसे होने की प्रोबेबिलिटी होती है और वो बहुत कम होती है। मैंने पहले के वीडियोस में भी ये बात कही है कि ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं। अब बात करते हैं इस केस की। इस केस में जो है 8 अप्रैल को ये जजमेंट आई थी और उसके बाद से रिव्यू पिटीशन फाइल की जा सकती थी। इसमें यह भी कहा गया था कि जब तक लॉकडाउन खत्म होगा और लॉकडाउन के तकरीबन अगले 6 महीने में सरकार को या HSSC को कहें उनको रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा करना है। अब इसमें रिव्यू पिटीशन कौन डालेगा, कैसे डालेगा, ये लोग सोच रहे होंगे, लोग देखना भी चाह रहे होंगे कि किसने डाली भी है कि नहीं डाली। तो मैं उस पर बता दूं कि रिव्यू पिटीशन 24 मई को डाली जा चुकी है। ये शुरू में केस जो ओरिजिनल केस टाइटल था जब जजमेंट आई थी तो उसका था रामजीत सिंह करदम वर्सेज संजीव कुमार। तो रामजीत सिंह करदम वर्सेज जो संजीव कुमार केस था, अब जो रिव्यू पिटीशन में है इसमें भानु प्रताप सिंह एक व्यक्ति है जो पीटीआई टीचर होंगे किसी न किसी एरिया में हरियाणा के, और वो इससे अफेक्टेड होंगे, वो शायद हटाए गए होंगे। तो इसीलिए अब जो नया काज टाइटल है वो भानु प्रताप सिंह वर्सेज संजीव कुमार है और ये पिटीशन फाइल की जा चुकी है, रिव्यू पिटीशन है। और रिव्यू पिटीशन जो है देवाशीष भारूखा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में है, वो उनका नाम उस आपको मैं बता दूं कि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं और उधर से पढ़ने के बाद वो 2001-02 से सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब इसमें एपी सिंह के द्वारा भी रिव्यू पिटीशन फाइल की जा सकती है, नहीं की जा सकती है। ये है कि अगर कोई और व्यक्ति रिव्यू पिटीशन इसमें फाइल करना चाहता है तो वो भी पिटीशन फाइल की जा सकती है, एपी सिंह जी के द्वारा भी की जा सकती है और किसी एडवोकेट साहब के द्वारा भी की जा सकती है, क्योंकि कोई भी एडवोकेट जो है जो AOR है वो फाइल कर सकता है, या जो AOR नहीं भी है तो वो AOR के थ्रू फाइल कर सकते हैं इसमें रिव्यू पिटीशन। इसमें रिव्यू पिटीशन में होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन में मोस्ट केसेस में ये होता है कि आप रिव्यू पिटीशन फाइल करते हो और वो जो है उसमें ओपन कोर्ट कोई हीयरिंग नहीं होती है, उसमें जो है चैम्बर में ही जो जजेज होते हैं जिस स्ट्रेंथ की बेंच ने वो डिसाइड किया होता है सबसे पहले तो उन्हीं के पास जाता है। अगर उनमें से कोई रिटायर हो गया होता है तो फिर उसमें से उतने ही स्ट्रेंथ की किसी दूसरी बेंच के पास जाता है और वो इन चैम्बर डिसाइड करते हैं। इस केस में भी जो भानु प्रताप सिंह वर्सेज संजीव कुमार का केस है इसमें भी रिव्यू पिटीशन फाइल की गई है, वो पेंडिंग है और उसमें एक इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन कहिए वो लगाई गई है कि उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है कि ओरल हियरिंग इस केस की जाए। अब ये कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है, कोर्ट हर केस में ओरल हियरिंग नहीं करता है। दूसरी बात ये भी है कि लगभग में हर रिव्यू पिटीशन में ओरल हियरिंग की जो है एप्लीकेशन लोग लगाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर इसमें ओरल हियरिंग होगी तो एक चांस होता है कि जब एडवोकेट आर्ग्यू करता है जज साहब के सामने तो
प्रोबेबिलिटी होती है कि हो सकता है वो कुछ इश्यूज को सामने से जब बताएगा तो वो कन्विंस कर सके कि इस मामले में ये बात हुई है या ऐसे किया जाना चाहिए वैसे किया जाना चाहिए। लेकिन जब एप्लीकेशन ऑफ माइंड जो है जजेस के द्वारा लगाया जाता है तो वो अपना एप्लीकेशन ऑफ माइंड लगाते हैं और वो उस हिसाब से लगाते हैं कि जो आपने आर्ग्यूमेंट्स में लिखा है। कई बार क्या होता है कि जब ओरल हियरिंग होती है तो उसमें एडवोकेट एट द मोमेंट जो डिस्कशन होता है उसमें कुछ ऐसी बातें निकल करके आ सकती है, वो प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जजेस साहब एप्लीकेशन ऑफ माइंड वहां अलग करते हैं यहां अलग करते हैं, लेकिन इसमें ओवरऑल ये है कि ओरल हियरिंग रिव्यू पिटिशन में नए के बराबर यानी कि बहुत कम केसेस में होती है, और इस केस में भी होगी या नहीं होगी अभी ये देखा जाना है। ये केस अभी पेंडिंग है और लोग भी हो सकता है, जैसे एपी सिंह वाली बात की जा रही है कि वो फाइल कर सकते हैं और लोग भी फाइल कर सकते हैं। इसमें एक जो खबरों में आ रही है कि लार्जर बेंच को सुनने के लिए कहेंगे, लार्जर बेंच को सुनने के लिए तो आप कह सकते हो लेकिन वो किस बेसिस पे कह रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब तक वो मैटर रिव्यू पिटिशन का तो उसी बेंच को डिसाइड करना है, और जो बेंच में जो